चल बैठ के ठीक है, पढ़ना। चलो फिर, ओके, बाय 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 बाय। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर गुड। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। ते आज फाइनली साडा लास्ट डे है पटना साहिब दे विच। ते आज साडी रात भी हैगी है ट्रेन। सानू बहुत ही वधिया लग्गिया ते साडे पूरे परिवार दे दर्शन बहुत ही वधिया हो गए पटना साहिब जी दे, तखत श्री पटना साहिब जी दे। ते हुण फाइनली असीं जा रहे हां अपना तखत श्री पटना साहिब एक लास्ट वारी मत्था टेकण वास्ते, दर्शन करन वास्ते बाबा जी दे। ते हुण असी अपना जिहड़ा रूम जिहड़ा मिलिया सी, हुण असीं चले आ अपने रूम बैगेज वगैरह लै के जिन्ना। ते फ्रेंड्स, मैं ना थोड़े नाल एक गल शेयर करना चाहता सी। बस इतने ना सानू एक मेन प्रॉब्लम है जो कि सानू फेस करनी पई, वो है रूम्स के बारे। रूम्स रिलेटेड ही है। इतने जिहड़ी कम्युनिटी है वो बहुत नाइस है, उहदे विच कोई डाउट नहीं है, बहुत हैल्पफुल है। ते उन्होंने जिहड़ी प्रिपरेशन की थी बाबा जी का बर्थडे सैलीब्रेट करने वास्ते, बहुत ही वधिया की थी। ते इतना जो नगर कीर्तन लगे गुरुद्वारा श्री गऊघाट साहब तो तखत श्री पटना साहब तक, तो वो भी वर्ल्ड का सब तो नंबर वन नगर कीर्तन मनिया जाता है। क्योंकि इतनी जी कमेटी है वो नगर कीर्तन के उपर बहुत ज़्यादा पैसा मतलब अपना स्पेंड करती है, बेसिकली ऑन डेकोरेशन, ऑन लंगर एंड इन द मैनेजमेंट ऑफ द संगत। बट इको ड्रॉबैक है कि इतों का जो रूम्स है ना, अगर तुम रूम्स लेना चाहो, तुम चाहते हो कि मतलब सू तकत बिल्कुल ना ही रूम्स मिल जाए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। हर साल सानू मतलब 7 to 8 hours तक इतने वेट करना पैंता रूम्स से सू रूम्स मिलन, बट वो चीज़ नहीं मिलती। इतनी बार भी सू नहीं मिले रूम नेड़े तखत श्री पटना साहब जी ने, बिल्कुल सामने नहीं मिले। तो फिर सानू उन्होंने लास्ट ऑप्शन आई थी कि तुम कम्युनिटी हॉल के चले जाओ, जिसे इस टाइम अभी रुके हुए हैं। नो डाउट कि जोड़ा है मतलब जो उन्होंने हॉल दिता सूँ प्रोवाइड किया, बहुत ही वधिया बनया हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत वधिया, तो फैसिलिटीज़ A1 हैगी, लंगर भी इतने 24 hours चल रहा है। तो बस यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी मैनेजमेंट वाले कोई साड़ी वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं तो अपनी यह जी चीज़ है ड्रॉबैक है जो रूम्स से रिलेटेड, उन्होंने बस ठीक कर लैन, तो ताकि जी आने वाली संगत है उन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बाकी फिर आओ चलिए गाइस, सीधा हम चलते हैं गुरुद्वारे साहब, तो उतों दर्शन करते हैं, काम भी कराने। तो फिर यही अरदास है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को कि इसी तरह साडे पूरे परिवार को हर साल लेंदे इत्थे लै के आन, तो अपने जन्मदिन भी शामिल करन सानू भी। तो आओ चलिए हम सीधा तखत श्री पटना साहिब जी की ओर। चलो ठीक है फिर, फाइनली बाय बाय, रब सुख रखे अगले साल, ठीक है ना? चल बैठ, ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय बाय बाय। 2000 years later. ते गाइस, हुण फाइनली असीं सारा अपना बैगेजेस वगैरह लिया के थल्ले लै आए हां, ते हुण बस असीं वेट कर रहे हां बसेस दा कि जदों भी बस आएगी, ते हुण असीं अपना सामान रखांगे उहदे विच, ते सिद्धा हुण फिर जावांगे तखत श्री पटना साहिब, ते उत्थे अपना सबमिट करा लवांगे बैगेज रूम दे विच जितने भी अपने लगेज हैगे ने। फिर उस तों बाद असीं मत्था टेकण तों बाद फिर असीं राती सिद्धा पटना नूं बाय बाय करके चले जावांगे जिहड़ा रेलवे स्टेशन। गाइस, हुण असीं पहले थोड़ा फोटो शूट कर लैंदे आ मास्टर जी दा, क्योंकि मास्टर जी कह रहे ने थोड़े मेरी फोटोज वगैरह खिंच दे, ते आओ फिर इहनां दी थोड़ी फोटोज वगैरह खिंच के फिर तुहानूं मिलदे आ दोबारा। ते फ्रेंड्स, हुण फाइनली साडी बस आ चुकी है, ते हुण असीं चले आ अपना लगेज इहदे अंदर रखण, ते फिर तुहानूं हुण अपना बैगेज इहदे अंदर रख के मिलदे आ। ते फ्रेंड्स, हुण फाइनली असीं पहुंच चुके आ गुरुद्वारा श्री तखत पटना साहिब, ते हुण मैं आप जी नूं दर्शन कराना अंदरों, ते फिर उस तों बाद असीं जावांगे गुरुद्वारा बाल लीला साहिब, उत्थों लवांगे लंगर ट्रेन दे वास्ते। ते आओ पहले हुण टिकी मत्था गुरुद्वारा साहिब जी दे अंदरों। तिनके काज सवारता, दाल सीता मांगो की। ਕਿਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਵਾ ਟਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਸਤੁਲ ਕੋ ਹੱਦ ਕਰ ਕਹਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕ ਪਹਾੜੀਏ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ
फ्रेंड्स हूँ असी अंदरों दर्शन कर आए हाँ, तो हूँ असी जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहब कि सू ना लैना सी लंगर ट्रेन वास्ते, जिदा कि मैं तुम्हें पहला दसिया सी, फिर उत्थे जाके असी लंगर पैक करावांगे ते उत्थे थोड़ी देर रेस्ट करके ते फिर निकलांगे स्टेशन वास्ते। बाकी तुहानू जिवें जिवें असी करांगे तुहानू उहदा असी तुहानू दिखाने जावांगे। ते हुण असी फिलहाल जा रहे हां स्वीट लैण वास्ते, क्योंकि इत्थे जिहड़ी रसगुल्ला होंदा ना वो बहुत फेमस होंदा है। ते मास्टर जी ने अपने घर वास्ते लैना सी स्वीट मिठाइयां, ते की लैण लगे हुण मिली इधर ही है ना? हाँ अगो अगो ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੇੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਲੂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਗਾਈਸ, ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੀਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ ਸਵੀਟਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੈਕ ਲੰਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਪੈਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲਗੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਨੋ ਇਸ਼ੂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੈਂਜਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਡਿਪਾਰਚਰ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਟ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।